मेरे फादर की भी डेथ उसी में हुई है। मेरी दो बुआ जी हैं, उनमें ब्रदर को जिनको अभी हार्ट की सर्जरी हुई है, तो मैं बहुत डर गई थी। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था और जब मुझे शुगर मुझे डायग्नोज हुई थी, तो मैं बहुत डर गई थी। क्योंकि मेरे फादर की भी डेथ उसी में हुई है, मेरी दो बुआ जी हैं, उनमें ब्रदर को जिनको अभी हार्ट की सर्जरी हुई है, तो मैं बहुत डर गई थी। और फादर के तो मेरे फुट में जो था उनकी गैगरिंग हो गई थी, तो वो कट करना पड़ गया था। फादर को है, ब्रदर को है, उधर है, लेकिन मदर को तो नहीं थी। लेकिन कुछ मेरा लाइफ स्टाइल भी हुआ था, कुछ मुझे हेल्थ इश्यूज भी थे, मुझे फाइब्रॉइड प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी लंबे टाइम से मुझे जो था प्रॉब्लम्स थी, तो ब्लड भी मेरा काफ़ी वो ज़्यादा था। और यह था कि थोड़ा वॉक शॉक भी बंद हो गई थी, क्योंकि उसमें रेस्ट होना होता था। तो मुझे लग रहा है कि वो भी एक प्रॉब्लम, एक वो भी बात था, हमारा लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर भी है, ये जाहिर है। आपने सबसे पहले जो डायबिटीज का नाम सुना था, वो आपने कब सुना था मैम सबसे पहले? जब हम मेरे फादर को हुआ था, तब मुझे पता चला था कि डायबिटीज है। लेकिन उस टाइम पे उसके पता नहीं था कि इतना साइलेंट किलिंग ये बीमारी है। और इतने उसके उस टाइम पे, आज से 17 साल पहले, 18 साल पहले की बात है जब मैंने सुना था, जब मेरे फादर को हुआ था। तो लेकिन हम लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया था। बट उनकी डेथ के बाद, और फिर ऐसे ऐसे काफी होता रहा, लोगों का देखती रही सुनती रही, तो लगा कि बहुत सीरियस है ये, हम इसको लाइट नहीं ले सकते हैं। नहीं, इंटरनेट पर मैं ऐसे ही गूगल पे कुछ सर्च करी थी, तो उसमें आया कि ऐसे ऐसे डायबिटीज के लिए आप, मतलब आपकी डायबिटीज की दवाई आपको छोड़ना पड़ जाएगी, आपका ठीक हो जाएगा। उस चीज को मैंने क्लिक किया, तो फिर उसमें आपका शिवपाल का आ गया। फिर उन्होंने बुक करने के लिए उसमें ऑप्शन दिया, तो मैंने उसके बारे में सारा पढ़ा, व्यूज पढ़े, रिव्यूज पढ़े उसके, तो फिर मैंने वो क्लिक किया। और जैसे ही मैंने वो क्लिक किया, तो मेरे पास कॉल आ गई कि मैम आप बुक करना चाहती हैं। ये मई में बात है, मई में मैंने किया था, और दिसंबर से मुझे मेरा जो HbA1c मेरा जो टेस्ट हुआ था, उसमें मेरा शुगर आ रहा था 6.5 करके। सिम्टम्स मुझे काफी दिन से लग रहा था, जैसे वेट लॉस हो रहा था, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे खुद हो रहा था कि मुझे क्रीविंग हो रही है बार बार रात में। मैं कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मुझे दो बार तीन बार मुझे वॉशरूम जाना पड़े, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, दो तीन बार जाना पड़ रहा है। और फिर फादर को था और सबको था, तो भाई को भी था। और सो लोग मुझे बोलते थे कि देखो पापा को है, भाई को है, तो थोड़ा सा केयर करो, अवॉइड हो। दूसरे वाले भाई मुझे बोलते थे कि कहीं तुम टारगेट ना हो जाओ, तुम अपना थोड़ा ध्यान रखो। तो और उसके बाद मेरा फाइब्रॉइड थी, मेरे कॉल ब्लैडर में स्टोन था, वो ओके सब काफी चीजें प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मैंने सारी चीजों का टेस्ट कराया था, मुझे शुगर का एग्जैक्टली नहीं था कि, इससे पहले मैं कराती थी नॉर्मल आती थी, लेकिन ये दिसंबर की बात है, तो 30 दिसंबर को मैंने सारा पूरा रूटीन चेकअप पूरा अपना कराया, तो उसमें निकल आई कि शुगर डायबिटीज है आप। उसके बाद ओके 1 महीना तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, डॉक्टर को नहीं दिखाया, लेकिन वो वेट लॉस होता ही जा रहा था। वीकनेस बहुत हो रही थी, रात में नींद नहीं आती थी, और वीकनेस सबसे ज्यादा तो ये था कि वीकनेस बहुत, थकान बहुत, फटिगनेस बहुत थी। ओके okay, और जो शुगर के जो बाकी सिम्टम्स थे उनमें काफी रिलीफ है अभी आपको? वीकनेस थोड़ी सी हाँ कम हुई है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी जॉइंट्स पेन्स की, तो वो अब दूसरी मेडिसिन उन्होंने खोली, वो तो मेरी शुगर वाली तो बंद ही हो गई, कल से उन्होंने मना किया है। नेहा मैम से बात हुई थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेटफॉर्मिन मैंने सिर्फ एक, वो जो 10 टेबलेट थी उसमें सिर्फ मैंने 5 खाई थी, और तभी मुझे ये शिवपाल का डायबिटीज कंट्रोल का भी जो टेबलेट का पता चल गया, आयुर्वेदिक वाला का, तो मैंने उसके साथ स्टार्ट किया। हालांकि मैम ने बोला था कि आप मेटफॉर्मिन के साथ ही ये लीजिए, बट मैंने एक दिन खाने के बाद दूसरे दिन मुझे लगा कि थोड़ा सही है, तो मैंने सिर्फ शिवपाल की, और वो भी फिर वंस आ 5 डेज में, मतलब वीक में मैं 5 डेज ले रही थी। उसके बावजूद भी मेरा 100 112 ऐसे ही शुगर आ रहा था आफ्टर खाने के बाद, बिफोर खाने के बाद भी 100 112 ऐसे ही हो रहा था। ओके और वो पहले कितना रहता था आपका शुगर लेवल? 170, वो 200 ऐसे जा रहा था, 200 तो हो रहा था खाने के बाद, कभी 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 तो 270 भी चला जाता था। मैं बोलूंगी कि अगर जिनको काफी लंबे टाइम से है, तो उनको भी असर करेगा। मेरा तो स्टार्टिंग का था, तो मैंने नहीं लिया, लेकिन अगर वो दवाई की डोज कम होगी डेफिनेटली, जिन लोगों को है ये, और मैंने सजेस्ट किया है काफी लोगों को अपनी फैमिली में जिनको काफी पुरानी पुरानी थी, मैं यही कहना चाहूंगी कि इसको एक तो लाइट नहीं देना है, आप को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्योंकि ये कोई बीमारी ही नहीं है। अगर आप देखा जाए तो आपको सिर्फ अपने खान पान को और अपना फिजिकली एक्टिविटी अगर आप करते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालेंगे, तो आप इस बीमारी से हमेशा के लिए सेव हो सकते हैं। और ये तो क्योर हो गई आपको, पहले तो ये था कि आपको लाइफ टाइम आपने दवाई खानी खानी है, सही नहीं होना है। आप इन सब चीजों के साथ शिवपाल का भी यूज करेंगे, टेबलेट लेते हैं,
तो डेफिनेटली मुझे पता है 110% आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे जी। उनकी मेडिसिन भी जो एलोपैथिक चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी।